Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess. दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं कि सारे वो थॉट्स आपके ही हैं या फिर कोई नेगेटिव एनर्जीज कहीं आपको मैनिपुलेट करा के आपसे वो चीजें तो नहीं करवा रही है कि सारे थॉट्स जो मन में चलते हैं क्या वो सारे हमारे खुद के ही होते हैं या हमें मैनिपुलेट किया जा रहा होता है किसी एनर्जी के थ्रू. तो ये विचार ये वीडियो में क्यों बना रही हूँ उसका रीज़न बताती हूँ. अभी एक सेशन हुआ था उसमें जो बातें कई सारी हुई मेरी सेशन में उस पर्सन के साथ लड़की के साथ, तो उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि वो जो जिन थॉट्स के चलते वो डिसीजन ले रही थी वो मैनिपुलेटिव थॉट्स थे, वो कोई और एनर्जी उससे करवा रही थी. और यही बात कुछ महीनों पहले एक डॉक्टर मुस्कान है जो मैंने लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में आप लोगों को गाइड कर रही थी उस बुक के बारे में, तो जो डॉक्टर मुस्कान है वो एक और बुक पढ़ रही थी जिसका नाम था इमोर्टल टॉक्स करके. तो उन्होंने मुझे कहा था कि उर्वशी ये बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस बुक के बारे में भी लोगों को बताओ, और मैंने बताया था उसके बारे में आप लोगों को. तो उसमें ये था कि हर थॉट जो हमारे माइंड में आ रहा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा ही है. बहुत सारी हमारे ऊपर बहुत सारी सूक्ष्म जो है ना छोटी छोटी नेगेटिव लेयर्स लगी रहती हैं, और वो नेगेटिव लेयर्स कई बार जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो वो हमें मैनिपुलेट करती हैं, मतलब वो अपने कार्य हमसे करा रही होती हैं, अपनी इच्छाएं हमसे पूरी करवा रही होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर मुस्कान ने एग्जांपल दिया था मुझे कि उर्वशी अगर हम एक कप चाय पी लेते हैं और उसके थोड़ी देर बाद हमारा फिर से मन करता है एक और कप चाय पीने का, तो हमें उस थॉट को रिजेक्ट करना है क्योंकि वो थॉट हमारा है नहीं, वो कोई और एनर्जी हमसे वो काम करवा रही है. ऐसा ही सेक्स एडिक्शंस में भी ऐसा ही होता है, और सिगरेट अल्कोहल ड्रग्स इसमें भी ऐसा ही होता है. हम नहीं होते, वो कुछ ऐसी स्पिरिट जिनकी या ऐसी एनर्जी जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई होती वो ये काम करवा रही होती हैं उस पर्सन से जो बहुत नेगेटिव थिंकिंग या बहुत ही लो वाइब्रेशन में चलता होता है. उससे ये देख लेती हैं कि हमारे टाइप का बंदा है और हमें यहाँ से मिल सकता है वो, है ना, हम अपनी इच्छाएं इस बंदे से पूरी करवा सकते हैं. तो इस बुक को जो है इमोर्टल टॉक्स को जरूर पढ़ना आप लोग, और दिस वीडियो ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर मुस्कान. एक टाइम पे हम लोग दोनों कनेक्टेड थे और ऐसे विचार हम एक दूसरे से शेयर करते थे, तब मुझे पता चला था कि हमें ऐसे थॉट्स को रिजेक्ट करना होता है जो हमारे पे हावी हो रहे होते हैं, जो हमको कह रहे होते हैं कि करो करो ये करो करो, जबरदस्ती ठूसो खाओ, जबरदस्ती इसके पीछे पड़ो, जबरदस्ती ये काम करो, जबरदस्ती पियो या जबरदस्ती कोई भी गंदा काम करो, तो ये हमारा थॉट है ही नहीं, ठीक है ना. ये कोई और नेगेटिव एनर्जीज हमसे करवा रही होती हैं. इस ये जैसे नेगेटिव एनर्जीज यहाँ करा रही होती है तो हमें इन्हें रिजेक्ट करना होता है, इन थॉट्स को, और सही चीज़ों के साथ जुड़ना होता है, सही डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, तो वो अपने आप अपना रास्ता नाप के चली जाती हैं कि भाई अब यहाँ मेरी कोई दाल नहीं गलने वाली, चलो निकलो, ये भाई ये सुधर चुका है, ये सही लोगों के बीच में जा चुका है, हमको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला. तो ये सारी बातें मुझे डॉक्टर मुस्कान ने बताई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो गिव ऑल क्रेडिट आई मीन ब्लेसिंग्स टू डॉक्टर मुस्कान. एंड जैसे नेगेटिव एनर्जीज करा रही होती है ना वैसे ही पॉजिटिव एनर्जीज भी, अच्छी शक्तियां भी लोगों को चुनती हैं और उनसे अपना काम कराती हैं, ठीक है. तो हम जो अच्छा और बुरा दोनों कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, वो उन दोनों चीज़ों के पीछे हम नहीं हैं एक्चुअली में, कोई और शक्तियां हमसे वो काम करा रही हैं. अब जैसे मैं भी अगर ये काम कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में सब चीज़ें चैनल या कौन कर रहा है, ये अच्छी शक्तियां मेरे दिमाग में भरती हैं, ये चीज़ें पहुंचाओ. काम करने के बाद मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या काम किया था. तो वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो कुछ लोगों को देख रही हैं कि परेशान हैं, ठीक है. जैसे समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं ऐसे ही शक्तियों के वर्ल्ड में भी अच्छी और बुरी शक्तियां दोनों होती हैं जो कि अपने कैंडिडेट चुनती रहती हैं. ये लोगों के दिमाग को पढ़ सकती हैं, और जब भी लोगों के दिमाग को पढ़ लेती हैं तो वो फिर गंदी शक्तियां तो अपने निजी स्वार्थों को पूरा करवाती हैं, अच्छी शक्तियां लोगों के लिए अच्छे काम करवाती हैं, ठीक है. तो जैसे कोई ऑफिस होता है तो हम जो अच्छा जो भी इंसान दुनिया में कोई अच्छा काम कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, समझ लो उसके साथ कोई शक्ति जुड़ी हुई है. और कोई आदमी बहुत ही नीच कर्म कर रहा है तो समझ लो उसके साथ कोई नीच शक्ति जुड़ी हुई है जो उससे ये काम करवा रही है, ठीक है. और हम कर ही नहीं सकते बिना उसके. जैसे कोई ऑफिस होता है उसमें फ्रेशर होता है, एक फ्रेशर काम कर रहा है तो उसके ऊपर उसका टीएल होता है, उसके ऊपर उसका मैनेजर, मैनेजर के ऊपर रीजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर का वीपी, ये वो डायरेक्टर्स, ये होते हैं ना, वैसे ही ये पूरा का पूरा सिस्टम है. हम लगा लो फ्रेशर्स हैं, हमारे ऊपर एंजल्स हैं, एंजल्स के ऊपर और होंगे, उनके ऊपर और सबसे ऊपर गॉड होंगे. तो इस प्रकार से ये सारा काम चलता है. सो अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा थॉट चलता है जो आपको लगता है कि ये इतना भयानक तरीके से क्यों चल रहा है, ये मुझे मजबूर क्यों कर रहा है ये काम करने के लिए ज़बरदस्ती, तो समझ लो ये थॉट आपका नहीं है, कोई और आपसे ये करवा रहा है. मुंह से अचानक से गालियाँ निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा गालियाँ निकल रही हैं, ठीक है ना. तो समझ लो कि कोई नेगेटिव एनर्जीज का एग्रेशन है ये जो इसके मुँह से निकल रहा है, ठीक है. और कोई सेक्स की एडिक्शन है बहुत ज़्यादा, तो ये भी नेगेटिव एनर्जीज का ही वो है
कोई खाने की बहुत ज़्यादा तड़प, दो दो मिनट बाद भूख लग रही है, हर हर एक एक घंटे में भूख लग रही है, तो ये भी आप नहीं हो ऐसे हर चीज़ में ही। तो ऐसे थॉट्स को रिजेक्ट करना होता है और सही रास्ते पे आगे बढ़ना होता है। जैसे ही आप सही रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हो आपके थॉट्स भी बदलने लगते हैं। कभी आपको किसी चीज़ के ऊपर इमिडिएटली गुस्सा आए तो आने लगे तो आप अपने आप को रोको उस मोमेंट पे। एक दिन का टाइम दो खुद को और उसके अगले दिन देखना आपका थॉट चेंज होगा, वैसा नहीं होगा। ठीक है, सो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।